फिर कह रहा हूँ कि इट्स एक जो सिविल सर्विस का एक मोटो होता है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो एटलीस्ट जैक ऑफ ऑल ना आपको होना ही पड़ेगा, हालांकि मास्टर होना भी जरूरी है, इसको थोड़ा मोर चेंज करना चाहूंगा, तो मास्टर होना भी जरूरी है लेकिन जैक होना तो बहुत जरूरी। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जैसे कि कोई मेडिकल का एग्जाम दे रहा है वो बायो पढ़ा हुआ है, कोई आईटी दे रहा है वो मैथ पढ़ा हुआ है, लेकिन जो सिविल दे रहा है वो किसी भी फील्ड का बंदा हो सकता है, तो इट्स अ वेरी टफ फाइट। सो जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनको कोई लिमिटेशन उनकी नहीं है, कोई हो सकता है साइंस का बंदा हो, कोई हो सकता है मैथ का बंदा हो, कोई हो सकता है कि इंग्लिश लिटरेचर का हो, तो हमें थोड़ा सा अपनी वर्सेटाइल चीज़ें रखनी पड़ेंगी, बट कन्फ्यूज नहीं करना है, अपनी कोशिश करनी है, आत्मविश्वास बनाए रखें और जो चीज़ें आती हैं उनको सही ढंग से बताएं, और अपने अंदर जो हिचक है या झिझक है उसको कई बार, जैसे कहते हैं मॉक इंटरव्यू यही होता है, जैसे हम लिख के जब प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यहाँ जैसे होता है पुलिस में ड्रिल कराई जाती है, अभी कल रात में मॉक ड्रिल हुआ था हमारे यहाँ एक टेररिस्ट अटैक का, तो हम ये देखते हैं कि कैसे हो रहा है, कौन कितने टाइम पर रिपोर्ट कर रहा है, तो इन द सेम वे कि प्रैक्टिस का ये बेनिफिट है कि हम जब रियल कंडीशन आती है तो कई चीज़ें हमें पता होती हैं क्या होने वाला है, उसके लिए हम तैयार रहते हैं जी सर। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है।